बलरामपुर में जिला अभिलेखागार में ग्राम हवीरगंज के साल 1954 और 55 के अधिकार अभिलेखों में भारी गड़बड़ी मिली है। साल 1954-55 के अधिकार अभिलेखों में जांच दल ने अवैध एंट्री का पता लगाया, जिसके बाद बलरामपुर कलेक्टर रेमिजियस एक्का ने इसे निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। संदेहास्पद अधिकार रहित प्रविष्टियों की व्यापक जांच के बाद अवैध बटांकन को समाप्त करने का फैसला हुआ। कलेक्टर ने रामानुज नगर गंज तहसीलदार को इन अवैध प्रविष्टियों को 1954 से 55 के अधिकार अभिलेखों से विलोपित करने का निर्देश दिया। साथ ही एक सप्ताह के भीतर इस काम की पुष्टि कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर एक्का ने कहा कि महावीरगंज तहसील रामानुजगंज का मामला है, जो अधिकार अभिलेख 1954 से 55 का है और उसमें काफी संख्या में नई प्रविष्टियां देखी गई। जो रिकॉर्ड को जांच करने के बाद में अंतिम रिपोर्ट आना था वो नहीं आ पाया था, उस पर वर्तमान अधिकारियों से हमने जांच करके और राजस्व अभिलेखों के साथ में मिसल बंदोबस्त अधिकार अभिलेख वर्तमान अभिलेख के साथ में जांच प्रतिवेदन और मौके का प्रतिवेदन प्राप्त किया। उसके बाद में प्रकरण दर्ज करके उसमें आदेश किया है कि तकरीबन 400 हेक्टेयर का रकबा है जिसमें अवैध प्रविष्टियां जो है अधिकार अभिलेख में की गई थी, जो वास्तव में शासकीय जमीन।